नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पीएचडी इन्फोलॉग्स। और पीएचडी इन्फोलॉग्स में मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रसाद वापस एक बार सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग फीचर्स देखने वाले हैं, प्राइस देखने वाले हैं हीरो एक्सपल्स 200T का। तो दोस्तों, हीरो ये पिच कर रहा है कि हीरो एक्सपल्स 200T जो कि एक रेट्रो स्टाइल का बाइक है, वो आपको ऑफ रोडिंग के लिए मतलब टूरिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो और आप ये बाइक सिटी राइडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा हीरो पिच कर रहा है। लेकिन क्या वाकई ये बाइक ड्यूल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है? कि ये बाइक अगर आप देखोगे तो यामा XSR 150Y अभी तक जो मार्केट में नहीं आया है उसकी जगह ले सकता है क्या, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके मैं आपको प्रोज और कॉन्स दोनों भी बताने वाला हूँ, तो आप एंड तक वीडियो देखिए ताकि आप कुछ मिस ना करो। और इसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊँगा ऑन रोड प्राइस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके कलर्स देखेंगे। इस बाइक में आपको दोस्तों सभी सिंगल कलर ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये पहला कलर है जो कि ये एक्सिस ग्रे है, सेकंड कलर है यहाँ पे कैंडी ब्लेजिंग रेड जिसको आप स्पोर्ट्स रेड जैसा भी मैट बोल सकते हो, और थर्ड कलर है यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है, टोटली मैट ब्लैक है। तो दोस्तों इस बाइक का आप अगर इंजन देखोगे तो 196cc का सिंगल सिलेंडर 2 वेल्व्स के साथ इंजन आता है BS6 नॉर्म्स के साथ, और वो इंजन मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 18 bhp एट द रेट 8000 rpm और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 17.1 Nm। ये बाइक आपको आता है दोस्तों डबल डिस्क लेकिन सिंगल चैनल ABS के साथ। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पेटल डिस्क ब्रेक नहीं दिए गए, इसमें आपको नॉर्मल डिस्क ब्रेक दिए गए, लेकिन फिर भी इसका होल्ड काफ़ी अच्छा है और इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है ब्रेक्स का। इसके सस्पेंशन के बारे में देखने जाओगे तो आपको इसके फ्रंट सस्पेंशन आते हैं टेलीस्कोपिक 37mm डाया विद एंटी फ्रिक्शन बस के साथ, और आप इसका रियर सस्पेंशन देखोगे तो आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। व्हील्स के बारे में देखोगे दोस्तों तो आपको इसमें मिलते हैं दोनों 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, और इसमें आपको फ्रंट टायर आता है 180/17 का और रियर टायर आता है आपको 180/17 का। इस बाइक में आपको दोस्तों दोनों तरीके के स्टार्ट मिलते हैं, आपको इसमें किक स्टार्ट भी दिया जाता है दोस्तों और आपको इसमें सेल्फ स्टार्ट भी दिया गया है। अगर आप नंबर ऑफ गियर्स देखोगे दोस्तों तो इसमें है नंबर ऑफ गियर्स 5 और इसमें क्लच देखोगे तो मल्टीप्लेट वेट क्लच दिया गया है। अगर आप इस बाइक का दोस्तों टोटल वेट देखोगे तो 150kg का ये बाइक है और ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों इसका 177mm जो कि हीरो एक्सपल्स से थोड़ा सा कम है। सीट हाइट आप देखोगे दोस्तों इसका तो 799mm का सीट हाइट है और इसका सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी कंफर्टेबल है जो कि आपको लॉन्ग राइडिंग के टाइम में काफ़ी हेल्प करता है। आप देखोगे तो ये रेट्रो स्टाइल का बाइक लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। और इसके अभी हम फीचर्स देखेंगे कि इसमें एडेड फीचर्स क्या दिए, की फीचर्स क्या है इसके। तो इसमें आपको मिलता है दोस्तों ABS ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी विद एब्सोल्यूट कंट्रोल, और आपको इसमें रेट्रो फ्लेवर टूरर का एक लुक आता है। तो आप पिलियन सीट भी आप इसकी देखोगे तो बैठने के लिए एकदम कंफर्टेबल पिलियन सीट है, ग्रैब रेल भी दिया है इन्होंने अच्छा सा, इंजन किल स्विच दिया है बाइक में, क्लॉक भी दिया है आपको इसमें, और ट्रिप टाइप है डिजिटल ट्रिप मीटर है आपका काउंट टाइप का पास लाइट के साथ। अगर आप देखोगे तो आपको इस बाइक में दोस्तों इंजन किल स्विच भी मिलता है, तो ये भी इसमें अच्छा फीचर दिया गया है। तो दोस्तों इस बाइक के अभी हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि कॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है, अगर ये बाइक अगर आप यामा XSR 155 जैसा रेट्रो स्टाइल बाइक लेने की सोच रहे हो तो इस बाइक में आपको ड्यूल कलर नहीं मिलता है यामा XSR जैसा। तो यामा XSR 155 जब भी मार्केट में आएगा BS6 नॉर्म्स के साथ तो उसमें डिज़ाइन भी अच्छा रहेगा और फीचर्स भी अच्छे रहेंगे। जैसे कि इसमें इन्होंने मतलब जो टेलीस्कोपिक फोक्स दिए वो इसमें गोल्डन टेलीस्कोपिक फोक्स नहीं दिए, अपसाइड डाउन फोक्स नहीं दिए इन्होंने। आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब सीटिंग पोस्चर वगैरह सब ओके, लेकिन कुछ प्रीमियम फीचर्स नहीं है। जैसे कि आप देखते हो लिक्विड कूलिंग काफ़ी सारी 200cc या उसके आसपास की सीसी के बाइक में दी गई है, तो ये भी 200cc का बाइक होने के वजह से इसमें भी 200cc के हिसाब से लिक्विड कूलिंग देना चाहिए था। जैसे कि अपाचे RTR 400V, KTM ड्यूक 200, इन सब बाइक में लिक्विड कूलिंग दी गई है। तो होंडा से ये अपडेट मिल चुका है कि अब तक का जो BS4 तक वर्जन था उसमें लिक्विड कूलिंग नहीं था, लेकिन BS6 वर्जन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं इसमें लिक्विड कूलिंग रहेगा दोस्तों। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह सब इम्प्रूव है, लेकिन सिर्फ इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मुझे लगे कि जो आपके साथ में आप खरीदने के पहले शेयर करूं। तो दोस्तों आप अगर देखोगे तो हीरो उसको टूरिंग बाइक अनाउंस कर रहा है, लेकिन ये जो बाइक है दोस्तों इसमें एक मेन प्रॉब्लम है, जब भी आप ये हाई स्पीड में जब भी रोड पे चलाओगे तभी ये बाइक थोड़ा सा 90 या 100 की स्पीड के ऊपर आप जाओगे तो ये वाइब्रेट होता है। आप बाकी भी सारे वीडियोस देखोगे दोस्तों तो आपको उसमें से यही पता चलेगा कि सब यही बता रहे हैं कि ये बाइक 90-100 की स्पीड के ऊपर ये वाइब्रेट होना चालू कर देता है। तो आप टूरिंग के लिए बाइक यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप स्पीड टूरिंग के लिए बाइक यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका एक मुझे माइनस पॉइंट लगा दोस्तों।
इस बाइक में आता है आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक दोस्तों, और ये आपको सिटी राइडिंग में माइलेज देता है तकरीबन 30 से लेके 35 का माइलेज, और आपको ये हाईवे राइड पे आपको माइलेज देगा 40 से लेके 43 किलोमीटर पर लीटर का। तो दोस्तों इस तरह मैंने सभी फीचर्स इस बाइक के कवर किए हैं इस वीडियो में, लेकिन मेरे को जो कुछ कॉन्स लगे वो भी मैंने आपको बताया, हाईलाइट किया। तो दोस्तों इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS नहीं मिलता, पर आपको स्पीड टूरिंग के टाइम में ये बाइक वाइब्रेशन देता है, ये मुझे थोड़े से इसके कॉन्स लगे, बाकी सारी फीचर्स बाइक के अच्छे हैं। तो बाइक आपको ये कैसा लगा दोस्तों, आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस है और क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आपको इस बाइक के और फीचर्स देखने हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो जो कि www.psjinfologs.com है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे बाइक्स और अपकमिंग कुछ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट रिव्यू के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो फाइनली मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हीरो ये बाइक सितंबर में लॉन्च करने वाला है, और ये बाइक जब लॉन्च होगा तभी इसकी ऑन रोड प्राइस होगी दोस्तों 1,14,000 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा हीरो से पता चल जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।